ये जो प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं ये कोई चैरिटेबल सोसाइटीज नहीं है जो शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए काम करें, ये मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, शिक्षा को बाजार में तब्दील और उसको एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनकी संख्या काफी बढ़ गई है, खासतौर से अर्बन एरियाज में बहुत बढ़ गई है। रूरल एरियाज में तो अभी भी प्राइवेट स्कूल कम है और सरकारी स्कूल ज्यादा है, लेकिन अर्बन एरियाज में प्राइवेट स्कूल काफी बढ़ते चले जा रहे हैं और कई तरह के प्राइवेट स्कूल है। कुछ तो इलीट स्कूल है जो बहुत महंगे स्कूल हैं, जिनके पास एयर कंडीशन प्ले ग्राउंड है, उसके बाद कुछ मीडियाकर स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या अब लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स की हो गई है, जिसमें कम तनख्वाह वाले अनट्रेंड अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं और एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और पहले ये हमारे इलाकों में बेरोजगार लड़के चलाते थे, अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं क्योंकि शिक्षा की मांग बढ़ी है, हर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा हासिल करें और उसके माध्यम से आगे बढ़े, तो वो शिक्षा में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, एक दिहाड़ी मजदूर भी अपनी कमाई का पैसा शिक्षा पर लगाना चाहता है, इसको इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने भांप लिया है और इसलिए अब लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी जैसी, पियर्सन जैसी कंपनियां, ये सब हेडुकॉम जैसी कंपनियां, ये सब उतर गई है। तो ये एक बहुत बड़ा बाजार शिक्षा का हिंदुस्तान में बन गया है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में और अब स्कूल एजुकेशन में भी आ गए हैं और करीब 40-45% स्पेस ये कब्जा कर रहे हैं। तो अब ये लेकिन चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन इनके ऊपर न रहे,